Assalamu alaikum. This is about 1:30 PM and today is Friday and we have started our journey for Kalat from Quetta and I have with me Sarfaraz Saab, Faiz Sultan Saab and our dear friend Anwar Saab and this is Saryab Road and we are going straight and hopefully after 2 hours or 2 hours and 30 minutes we will reach Kalat. That's our destination. It's another valley of this beautiful Balochistan and let's see, I'll update after some time. And this is me, this is Anwar, this is Sarfaraz Saab and Faiz Sultan and we are heading towards Kalat right now and we are on Saryab Road and it's Juma time, about 1:30 PM. We have left from Federal Lodges Quetta and let's hope that will be a wonderful, pleasant journey and see you after some time. ये हम बीबी ज़ियारत पहुँचे हैं सरयाब रोड पर और इस वक्त सरयाब रोड पर काफ़ी काम चल रहा है एंड अनवर साहब इस टेलिंग के यहाँ पर ये डबल रोड बना रहे हैं. जी अनवर साहब. जी सर. डबल रोड बना रहे हैं एंड इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम ये जो रोड है ये स्पेशियस भी हो जाएगी, खुली भी हो जाएगी और इस पे जो है ट्रैफिक जो है और आसानी के साथ मूव करेगी. और इस वक्त भी इतना रश नहीं है क्योंकि इस वक्त जुमा प्रेयर्स का टाइम है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जुमा पढ़ने गए हुए हैं और सरफराज साहब भी ज़िद कर रहे हैं कि रोकूं मैं कहीं पे तो वो इमामत करवाएं. और ये रोड भी बनता है सीधा, वो बाईपास जाता है ये रोड सीधा. अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर भी रोड बन रहा है और इट विल लीड टू बाईपास. कौन से बाईपास? जबल नूर बाईपास पे जाएगी. अनवर साहब बता रहे हैं और ऑन माय राइट साइड यू कैन सी बिग माउंटेन्स, सैंडी माउंटेन्स. दे आर नॉट फर्टाइल एंड बट दीज आर ब्यूटीफुल, दीज आर ब्यूटीफुल. और ये बिल्कुल हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह साइडों पर ये फ्रूट पैडलर्स हैं. और सबसे यहाँ की खूबसूरत चीज़ जो क्वेटा की है इस मौसम में, अनार की खूबसूरती. दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत और बड़े साइज़ में और जूसी अनार यहाँ पे आपको बार बार हर जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है. मूसा कॉलोनी सक्कर का गाड़ी इधर से, यहाँ से सक्कर का गाड़ी जाता है जी. मूसा कॉलोनी अड्डा है ये मेरे लेफ्ट साइड पर है, ये सड़क जा रही है अंदर. तो इट विल टेक पीपल टू सखर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड यू सी अ लॉट ऑफ रिक्शाज लाइक जस्ट लाइक इन लाहौर. नोशकाय कलात सिब्बी सब यहाँ से अनवर साहब बता रहे हैं जाते हैं एंड वी आर मूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड केयरफुली टू सरफराज साहब सेज एंड let's see how our journey ends. So now this road, ये जो road है ये अभी वन वे चल रही है और दोनों साइड से कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. इट्स अ बिट स्लो कंस्ट्रक्शन. अनवर साहब ये कंस्ट्रक्शन कितने अरसे से चल रही है? ये एक साल देखें जी हो गया है और अभी तक ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने कम्प्लीट नहीं की. मैं लास्ट नवंबर में भी जब इधर आया था क्वेटा, एट दैट टाइम दे यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही स्लो चलते हैं. और ये आप लेफ्ट साइड पे मेरे देखें यहाँ पर फिश बिक रही है और अनवर साहब बता रहे हैं कि ये फिश जो है फार्मी है और जैकबाबाद से आती है एंड बट अनवर साहब सेज कि इट इज़ मोर टेस्टी एंड डिलीशियस दैन द रिवर फिश एंड आई टोटली एंडोर्स हिम. बट सरफराज साहब इस चीज़ की मुखालफत करेंगे क्योंकि उनको देसी चीज़ें ही पसंद हैं. ये देखें जी वन वे पे ट्रैफिक चल रही थी, अब यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जन थी, अब फिर टू वे आ गई है. बट ये देखा जाए तो
इस सड़क को एक साल अरसा हो गया है, कंप्लीट हो जाना चाहिए था एज लाइक इन अदर प्रोविंसेस ऑफ दिस कंट्री लाइक पंजाब एंड सिंध और इस्लामाबाद लाहौर, बट यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत स्लो है। लेकिन अभी अनवर साहब जो है वो बता रहे हैं ये सरयाब किची बेग है, और अनवर साहब बड़े होपफुल हैं कि जो नए सीएम आए हैं इनके नजदीक अब्दुल कुदूस बजिंजो, वो बता रहे हैं कि जी बहुत पॉजिटिव इंसान है और ही टेक्स पेन, और वो बड़े पुरुमीद हैं अनवर साहब के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं इंशाल्लाह इनके दौर में हल होंगे लोगों के। लेट्स सी जी, सरयाब कस्टम, अब हम सरयाब कस्टम पहुंच गए हैं। ये कराची रोड है और इधर से ही कराची भी जाया जाता है, वो सिब्बी का रोड है, और वो जो लेफ्ट साइड पे वो सिब्बी का रोड है। इधर अब मैं साइड पे रोकूंगा क्योंकि फैज सुल्तान साहब की फरमाइश है नान पकोड़ा खाना है। अब हमारे दोस्त अनवर साहब और असदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो नान पकोड़ा ढूंढेंगे फैज सुल्तान साहब के लिए। ये बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पे तकरीबन हर चीज अवेलेबल है, नजर यही आता है। ये देखें सर, ये देखें, ये पेडलर जो है, ये मोहम्मद असनी मार्केट है, यहाँ पर फिश भी है, देसी चिकन, ब्रॉयलर चिकन और सब्जी और फलों की बहुत सारी दुकानें हैं। अभी रास्ते में हम हज़ारगंजी, एक वो मंडी है इनकी लेफ्ट साइड पे, वो छोड़ के आए हैं, तो वापसी पे इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे एंड वी विल इंशाल्लाह बाय प्रोमेगनेट, अनार एंड एप्पल्स। क्वेटा इज़ फेमस फॉर दीज टू थिंग्स। ग्रेप्स जो हैं वो यहाँ के तो अब ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ मोटा से अंगूर पड़ा है, लेकिन वो बता रहे हैं अफगानिस्तान का वो उतना टेस्टी नहीं होता, तो इसलिए उसका तो फिर अभी नहीं हम लेंगे। बट ये है कि यहाँ का अनार और इंशाल्लाह सेब ज़रूर यहाँ से लेंगे एंड फॉर आवर होम्स, फॉर आवर फैमिली। एंड यू सी दिस इज़ अ बिग बाजार, दिस इज़ अ बिग मार्केट, यू सी। ये इस वक्त हम कराची रोड पर, कराची रोड, कराची रोड पर रवान दवा है, और ये देखिए साइड्स पे ब्यूटीफुल, हाँ सरयाब मियां हुंडी, सरयाब मियां हुंडी अमर भाई बता रहे हैं। एंड दिस इज अ सिंगल रोड बट इट्स अ प्रीटी गुड रोड एंड ट्रैफिक इज एट दिस मोमेंट इज नॉट मच एंड इट्स अ स्मूथ ड्राइव। All over us there are mountains, barren mountains. There is seldom any greenery, I must say. And this वक्त ये सरफराज साहब जो हैं ये पकौड़े खा रहे हैं, नान पकौड़े, अनवर भाई, असदुल्ला साहब और फैज साहब भी, और ये सरफराज साहब अपने हाथों से मुझे पकौड़े खिला रहे हैं, तो मुझे बचपन की याद ताज़ा हो गई है। मेरे एक दोस्त थे, जब मैं इतकाफ में बैठा था तो वो मुझे सहरी जो थी वो अपने हाथ से करवाते थे, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कुछ खाने को एट दैट टाइम। नान है जी। और ये देखिए वेरी गुड स्पेक्टेकल, मैं घर से निकल के खा लो। अच्छा खाना नान ये दे दो। या दिस इज द लॉन्ग रोड एंड वेरी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल, वी आर एंजॉयिंग इट विद नान पकोड़ाज, सरफराज साहब बाइट बाय बाइट, साथ में सबज मिर्च है मसाले वाली, माय फेवरेट। एंड यू सी कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है, लॉन्ग ड्राइव एंड माउंटेन्स ऑल अराउंड अस, नान पकोड़ा एंड मिर्च, मसाला मिर्च। सी अनवर भाई बता रहे हैं कि हमारी राइट साइड पर ये चिल्तन पहाड़ है और यहाँ पर बकरे बहुत ज्यादा होते हैं, बकरे और जंगली नहीं है, हाँ जंगली बकरे, ये सारा। अच्छा वो हलाल है वैसे यार? हलाल है। राइट साइड पे मौलवी सरफराज साहब ने फौरन पूछा कि वो हलाल है कि हराम है, इनको बहुत फिक्र होती है इन चीजों की, ये पकोड़ा खाने से पहले भी इन्होंने पूछा कि हलाल है कि हराम है, फिर ये खाया इन्होंने। इनके कुछ मसाइल हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरह जो खत्म नहीं होते, अब कुछ किया नहीं जा सकता इनका। ये देखे ना जरा, ये जो ग्लासेस इन्होंने लगाए ये हराम है वैसे, अंग्रेजों के है ना। लुक एट दिस व्यू,
दिस इज ब्यूटीफुल लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव माउंटेन्स ऑल अराउंड सनी डे एंड माय गॉड इट्स अ स्नेकी रोड इट्स लाइक अ बिग स्नेक माय मास्टर एनाकोंडा द बिगेस्ट दहा ये गुड्स के ट्रक जा रहे हैं आई थिंक ये कराची वाली साइड पे और ये बहुत खूबसूरत एक स्पेक्टिकल है ये एंड आई थिंक कि आफ्टरनून में अगर इधर से गुजरें व्हेन देयर इज नो सनशाइन और लाइट सनशाइन द व्यू विल बी मोर मोर ब्यूटीफुल बट यू सी वास्ट प्लेन्स बहुत जगह है माशाल्लाह बलूचिस्तान में अ लॉट कैन बी डन विद दिस स्पेस नोबडी सीरियस अबाउट इट आई डोंट नो व्हाई डोंट दे यूज दिस स्पेस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये किस चीज का बाग है ये देखिए जी ये हमारे लेफ्ट साइड पे एप्पल ऑर्चर्ड है बट एट द मोमेंट देयर आर नो एप्पल्स एंड सो वी आर पास थ्रू इट आड़ू भी ओके कह रहे हैं जी आड़ू भी बहुत अच्छा इधर होता है जी बड़ा आड़ू होता है अच्छा जी आम किस्म ज्यादादार होता है अच्छा माशाल्लाह उधर नहीं आ सकता है ना खराब होता है एकदम हां नाजुक फल है ना कुछ चीज उधर नहीं मिल सकता ये अब हम लक पास टोल प्लाजा पे पहुंचने वाले हैं यू कैन सी लॉट ऑफ साइन बोर्ड्स हियर और डेट लेस एंड वी विल गो थ्रू इट पास थ्रू इट या लक पास टोल प्लाजा ये देखिएगा आपको दिखाई भी दे रहा होगा पढ़ा भी जा रहा होगा Lakpass. We are going to enter Lakpass tunnel and go through it. कौन सा रोड कराची रोड पे कराची रोड पर ये Lakpass tunnel है after टूल प्लाजा थोड़ी सी देर के बाद 5 मिनट के बाद ही आ जाता है and we are passing through it now. इससे निकल गया मस्तूंग शुरू होता है और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो अनवर भाई बता रहे हैं कि मस्तूंग जो है will start. चलो हम अब ये ओवरटेकिंग वाला लॉरियों वाला काम करते हैं पूरा काम है लेकिन मजबूरी है और ये देखिए वी आर पासिंग थ्रू द टनल नाउ एंड देन मस्तूंग विल स्टार्ट एंड वी आर कमिंग आउट ऑफ इट नाउ दिस इज अ चेक पोस्ट ऑफ एफसी एफसी की चेक पोस्ट है लक्ष्मी चेक पोस्ट लक्पास सॉरी left side you can see the beauty of this area iran se aata hai kahan se ji iran se ha bhai iran se tel jail aata hai humne bhai bata rahe hain aur dekho mastoon now we are in the territorial jurisdiction of mastoon city mastoon aur yahan pe anwar bhai ke call ईरान से काफी माल वगैरह आता है तेल सिगरेट आपके पास दिस एंड दैट हां मेरे पास पर नौशकी का रास्ता है ईरान जाने के लिए तफ्तान जाने के लिए ये देखिएगा राइट साइड पे मुसाफिर बसें भी जा रही हैं और गुड्स के जो हैं ट्रक भी जा रहे हैं एंड वी आर ऑन द स्ट्रेट लाइन That is Karachi Road. We have not diverted. You see, ये Noshki, Taftan, ये सारा उधर का जो है वो इलाका है और इधर से ये हम जा रहे हैं सीधा Karachi Road पर अभी We will not divert. You see, we have to head straight. ये देखें ये अंगूर का बाग लगा हुआ है ये अभी दीवार की वजह से छोटे लग रहे हैं तो सरफराज साहब हैज ऑब्जेक्टेड टू इट बट लगाता है उस तरह नहीं होता है अच्छा अच्छा
आवर फ्रेंड्स आर सेइंग और इसको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है इसके साथ और पानी करिए जी। इस वक्त ट्विस्टर बन रहा है हवा में और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हवा हल्की होकर मट्टी के साथ ऊपर उड़ रही है और बाहर हवा काफी तेज है। ये राइट साइड पर ये अनवर भाई बता रहे हैं कि ये नवाब रईस सानी जो फॉर्मर सीएम था आई थिंक मुशर्रफ दौर में था पीपल्स पार्टी के दौर में सॉरी वो जो कहते थे कि डिग्री डिग्री होती है ठीक है ना। तो ये राइट साइड पे मेरे ही वो बता रहे हैं कि ये उनका इलाका है सारा और यहाँ से कल्लात 102 किलोमीटर और कराची 647 किलोमीटर है तो ओवर डेस्टिनेशन विल बी एट कल्लात। और अगर सरफराज साहब को कोई गुटखा वगैरह चाहिए होगा तो हम कराची भी चले जाएंगे कोई मसला नहीं है। शादी नहीं होता तो फिर हाँ शादी ना होता। ये बड़ी खूबसूरत अनवर साहब ने बात की है कि अगर हम सबका शादी ना हुआ होता तो सीधा कराची ही चले जाते। ये बात सही है वैसे क्योंकि अब तो जवाब देना पड़ता है ना हर जगह और अनवर साहब को दो बार जवाब देना पड़ता है। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें जी बड़े वसी मैदान है जी बहुत वसी मैदान है और इनकी अपनी ही खूबसूरती है। ये रेलवे लाइन आ रही है जी और ये अनवर भाई बता रहे हैं कि देखिए फाटक आ गया है और ये सीधा तफ्तान जाता है रेलवे लाइन। ये कहाँ से शुरू होता है रेलवे लाइन? ये कोयटा से स्टार्ट होगा और इट विल गो राइट टू तफ्तान। ये देखिए ये हम फाटक हमने क्रॉस कर लिया है तूंग के एरिया में पहुंच चुके हैं और इसके लेफ्ट साइड पे जो है वहां पर वो मस्तोंग सिटी है और ये ऑन रोड जो है बिल्कुल जीटी रोड की तरह हमारा जो जीटी रोड है उधर पंजाब वाला बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बाजार हैं और यानी कि नेसेसिटी की चीज़ें हैं। ये सर्विस स्टेशन है वर्कशॉप्स हैं और ईरानी पेट्रोल है ईरानी तेल है। ये देखिए जी ये मलिक साहब ये मलिक साहब के लिए पानी लेने लगे हैं जी क्योंकि मलिक साहब जो हैं वो उनको प्यास। अच्छा हम चौक क्रॉस करते हैं अब हम आगे जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए ये बोर्ड लगे हुए हैं ये है जी मस्तोंग ये आई थिंक मस्तोंग बस अड्डा भी है। हाँ आगे ये देखिए ना ये लेफ्ट साइड पे ये आबादी ये कराची चौक है जी मस्तोंग का। दिस इज कराची चौक ऑफ मस्तोंग एंड वी आर सर्चिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स फॉर मलिक साहब। मलिक साहब को प्यास लगी हुई है और वो बॉटल वाटर ही सिर्फ पीते हैं। अच्छा जी ये ट्रक के पीछे अब हम ये पार्क करने लगे हैं जी देखें और ये देखें जी ये अब हम कराची रोड पर ही चल रहे हैं अभी और ये इर्द गिर्द जो है बहुत वसी और ईज स्पेशियस प्लेन्स हैं मैदान हैं इट्स लाइक अ बैरन वैली। और अच्छा ज़्यादातर गुड्स के ट्रक्स ही आ रहे हैं जी इधर और ठीक है बाकी ठीक है कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है सड़क में गुड रोड इट्स अ सिंगल रोड बट नॉट बैड। एंड ये देखिए ना जी जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे इर्द गिर्द जो हैं दोनों तरफ सेब के बागात हैं छोटे छोटे और एप्पल ऑर्चर्ड्स एज यू कैन सी बट नाउ दीज आर फ्रूटलेस बिकॉज द सीजन इज ऑफ नाउ एंड बट दे लुक ब्यूटीफुल इन दीज बैरन लैंड्स।
since the winter has started, the leaves of these trees, branches, have changed their color and they are not green anymore. You see, there are a lot of orchards here, a number of orchards here. And मैं थोड़ा सा साथ ड्राइविंग कर रहा हूँ और साथ साथ ये कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो जो है वो शेकी भी शायद हो, बट यू सी लुक एट दिस. ये देखें जी, कराची रोड से FC की चेक पोस्ट आ गई है, ये मेरे लेफ्ट साइड पे है कराची रोड. शाहवाली का एरिया है, शवानी, आप शवानी का एरिया जी बता रहे हैं. और यहाँ से खुजदार जो है वो 235 किलोमीटर रहे. छोटी छोटी आबादियाँ भी आती हैं, कुछ मार्केट्स हैं, अच्छे घर हैं. और इनको यहाँ पर ये देहात जो है इनको किल्ली कहा जाता है. कोई भी पक्का जो है यहाँ पर कोई इंतहा भी घर नज़र नहीं आएगा, सारे कच्ची मट्टी के बने हुए हैं. वेरी वेल पुट बाय मिस्टर सरफराज, मट हाउसेस, दीज आर मट हाउसेस. ये देखिए ये बेच रहे हैं सेब, ग्रीन सेब एप्पल जो है यहाँ पर उन्होंने सड़क पर लगाया हुआ था. आगे क्या आ रहा है वो बोर्ड? कराची 620, दिस इज कोस्टल हाईवे ओथल, वो 525 किलोमीटर है, और शहदादगढ़ 207. तो ये हम जा रहे हैं. इधर कुछ पहाड़ लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, बहुत दूर है वो, लेकिन ये है कि दूर है, काफ़ी दूर है, मट्टी के पहाड़ हैं चुके हैं साइडों पर. उसी तरह से एप्पल के बाबात हैं, विच आर फ्रूटलेस एट द मोमेंट. ये छोटे छोटे गांव हैं, बट हाउसेस हैं. ये देखिएगा, ये देखो, कड़कुचा तहसील में पहुंच चुके हैं. और ये भाई ने बताया यहाँ पे ये मस्जिद बन रही है, इसकी डंट है उधर बहुत. अच्छा, ये रोड पर कड़कुचा, ये है कड़कुचा, आज मैं रश नहीं है, शाम रश बहुत होता है, सही इधर से पहुंच जाता है कराची का सब. ओके, अमर भाई बता रहे हैं कि नॉर्मली यहाँ पर बहुत रश होते हैं, एंड दिस इज़ फेमस फॉर इट्स एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड, बिकॉज यहाँ से सारी कोचेज वगैरह कराची जाती हैं, तो फिर सिंगल रोड होने की वजह से हादसा का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है. बट टुडे, सिंस टुडे इज़ फ्राइडे, सो देर इज़ नॉट मच रश, बट स्टिल वी हैव टू बी कॉशियस नाउ, एंड वी विल इंशाल्लाह this road safely. You see, aaj baaki aaj rush itna nahi hai, maza aa raha hai drive ka, that's why it's looking a good road, it looks like a good road.
बिकॉज ऑफ लेस रश। देखिए लोग जो हैं ये ग्रीन एप्पल की बोरियां खरीद रहे हैं जी, इनसे जो पासर्स बाय हैं, कम्यूटर्स हैं ये साइड में जो लोकल लोग खड़े हैं उनसे। आजकल तो ये ग्रीन एप्पल पंजाब में बहुत और इस्लामाबाद में तो बहुत चाहिए, क्योंकि डेंगू वगैरह का बड़ा हमला हुआ है वहाँ पर। और ये ग्रीन एप्पल का जूस, इट्स वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स ऑफ डेंगी। ये छोटी छोटी किल्लियाँ यानी कि छोटे छोटे गांव हमारी साइड्स पर आ रहे हैं। किल्ली इज नेम ऑफ विलेज है, यानी कि टाइटल ऑफ अ विलेज है, इट्स कॉल्ड किल्ली। ये एप्पल्स के बहुत सारे बागात आ गए हैं, साथ साथ चलते जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि अब फल नहीं है इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं इधर। लास्ट ईयर जब हम ज़्यारत गए थे तो तकरीबन हर ऑर्चर्ड जो है वो एप्पल्स के भरा हुआ था और हमने बहुत इन्जॉय भी किया था। एंड वी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज इन द ब्रांचेज ऑफ दोज एप्पल्स और दोज ट्रीज। Enjoyed our stint there. At that time, me, Sarfaraz and Khizr went to Ziyarat. It was a very, very thrilling, I must say, journey and our stay there. ये जी खालकाबाद आ गया है और मीर खालिद लांगा, ये उनका इलाका है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा काम कॉलेज वगैरह बनाने लगे हैं, कुछ कोर्ट्स बनाने लगे हैं। तो ये हम इस इलाके से अब गुजर रहे हैं। ये सर तहसील मुंगीचर पहुंच गए हम और ये एक चेक पोस्ट बनी हुई है। एफसी भी चलाता है, एफसी भी मारता है। और ये देखिए ये एफसी के जवान, ठीक है। ये देखिए ये रानी पेट्रोल भी है। ये छोटा सा टाउन और किली और बेले जो भी आप कहना चाहें, मुंगीचर खालकाबाद। ये देखिए ये हम इसमें एंटर हो गए और क्रॉसिंग मर्ड मॉस्क, वाह जबरदस्त सर, राजा बात छाए हुए हैं। ठीक है ना यार, मर्ड मॉस्क, हाँ नहीं सही कह रहे हैं सर, आप दौर में बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए जी, ये वी आर गोइंग स्ट्रेट हेड मंगोपीर का बाजार आ गया। मौसम ठीक है शिकार के लिए। ये देखिए बाजार के दरमियान में से गुजर रहे हैं। देयर आर लॉट मेनी पीपल हियर and there are a lot many shops, everything is available here. Mungichar cross Anwar bhai keh rahe hain this is Mungichar cross. Ye passenger vans bhi hain aur ye dekhiye aur thoda thand bhi feel ho rahi hai Mungichar lagna this koita se ye jagah se thoda thanda hai sir. Raj bhai ko thand lagna shuru ho gayi hai ji, shuru ho gayi bhai जस्ट कह रहा हूँ, जिन्होंने उन्होंने कंफर्म किया है। और वो अनवर भाई कह रहे हैं वाकई अब आगे सर्दी होती जाएगी, क्योंकि कल्लाद जो है वो क्वेटा से ज़्यादा ठंडा है, इवन ज़्यारत से भी ज़्यादा ठंडा है। ज़्यारत से कम है, ज़्यारत से कम है जी, ज़्यारत से कम। फिर तो सर राज अब कुछ नहीं होता था ना, तो उतने जी फिर दे रहे हो। मैं कड़े कंबल लै के ना, और ये सर राज अब हैं, इन्होंने कंबल लिया है, वैसे ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कल एक कंबल लिया है, खरीदा है। हाँ खरीदा है, तो वो भी यूज किया जा सकता है इनको ज्यादा सर्दी लगे तो। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा चलें कोई नहीं, मलिक साहब तो आया ना। ये देखिए जी ये बहुत खूबसूरत मॉडल, राज साहब को नहीं देना, नहीं वो जरा कमेंट भी करते हैं जरा। ये देखिए मतलब मैंने तो बार नहीं करना चाहिए, मुफ्ती गाल है मलिक साहब, देर ना लगना रहती। ये देखिए जी ये बहुत खूबसूरत एरिया है, माउंटेन्स अराउंड अस। ये देखिए सो ब्यूटीफुल,
एक्सेंट ऊपर जा रहे हैं एरिया में। हम दोस्त, मैं हूँ अनवर साहब और रसदुल्ला साहब। रसदुल्ला भाई चेहरा दिखाएं अपना, ये शिकारी हैं हमारे और चलती गाड़ी में शिकार करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे हमने जो है इनके साथ शिकार भी करना है। और साथ इनके फैज सुल्तान साहब बैठ। फैज साहब किधर हैं? शुक्रिया। ओ फैज साहब आ गए जी, देखो माजून लेके देना। और ये हमारे डॉन सरफराज साहब, ये रूहे रवा हैं हमारे ट्रिप के, हमेशा ही होते हैं जी, हमेशा ही होते हैं। और ये हम सब जा रहे हैं, ये देखिए कराची रोड से। और अब जो है थोड़ा सा एलिवेटेड सा जर्नी शुरू हो गया है, ये सड़क काफ़ी ऊपर आ गई है। तो एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अभी हम कालात की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में एंटर हो गए हैं। अनवर भाई हैज़ इन्फॉर्म्ड अस दैट नाउ कालात हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी आर क्लोज टू अवर डेस्टिनेशन नाउ। लेट्स सी व्हेन वी एंटर द सिटी व्हाट थिंग्स आर वेटिंग फॉर अस, व्हाट ब्यूटी इज वेटिंग फॉर अस। जनाब हम गर्राड़ी कलात पहुंच गए हैं, टोल प्लाजा है बट इट इज अबंडेंट नाउ, ये ओपन ही है अब जी, इज नो वन हियर टू कलेक्ट द टोल। अनवर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी जमाने में बहुत पानी था और वो बंदे को ले जाता था, लेकिन अब ये अल्लाह की तरफ से खुश्क हो गया है, अल्लाह पाक इसको फिर आबाद करे। अब हम कलात के करीब करीब ही हैं, जा रहे हैं धड़ाधड़। देखिए आपके इलाके में शहद ही होता होगा सही जी? शहद नहीं नहीं होता है कलात के बिल्कुल शहर के करीब हैं। और वैसे तो मैं 3 दिन से क्वेटा शहर में ड्राइव कर रहा हूँ बट दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव ऑन कराची हाईवे इन क्वेटा एंड आई मस्ट से द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। ये आपको ब्रेक कैल्न भी नज़र आ रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड कुछ आबादी है, कुछ गिल्लीज हैं, छोटे छोटे गांव हैं, माउंटेन्स हैं, वास्ट एक्सपेंसेस हैं। ये जा रहे हैं सो इट्स गुड एक्सपीरियंस। ये सर एक्साइज थाना कल्लात है, हम कल्लात में पहुंच गए हैं। और ये देखिए ये कराची रोड से आते हुए हम रुके हैं यहाँ पर, कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। अनवर साहब, असदुल्ला साहब और ये फैज सुल्तान साहब सारे इस वक्त मुगल चौक कल्लात में हम आ रहे हैं। ये हमारी पार्टी है, ऐसा ये वो कराची रोड है इस तरफ से हम आए और ये ऑफिशियली एंटर्ड कलाब सिटी नाम एंड अच्छी आवाज़ चल रही है, तेज़ आवाज़ चल रही है।
वक्त हम कल्लात में किल्ली मुगल जई, दिस इज किल्ली मुगल जई मुगल चौक से हम एक दोस्त हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम कल्लात पहुंच चुके हैं अपने एक दोस्त के घर में और वी आर टेकिंग अ बिट ऑफ रेस्ट। इस वक्त हम कल्लात में काफ़ी बुलंदी पर हैं, ये बुजुर्ग का मज़ार है गौस साहब का, गौस मज़ार कल्लात में मौजूद हैं और ये अल्टीमेट हाइट पर है माशाल्लाह। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी यहाँ पे फातिहा पढ़ी है हमने और ये है जी कल्लात का शहर की तस्वीर और ये देखिए जी ये व्यू जो है यहाँ से बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये देखिए हम काफ़ी इस वक्त ऊपर आए हैं नीचे से और सन इज अबाउट टू सेट एंड द व्यू इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यू सी just beautiful and you see there is no greenery here and that is the Karachi road and but in spite of the fact that there is no greenery these mountains are beautiful. Udhar Harboi pahad seedha samne Harboi pahad hai ji कल्लात का मेन बाजार है। देखिए जी ये कराची रोड आ गई और ये हमारी गाड़ी है जी और हमारे जो शिकारी हैं असदुल्ला साहब आई थी गाड़ी में बैठे हुए अभी ये अनवर साहब है मेरे साथ, ये हमारे भाई हैं इधर के लेकर आए इधर सैर करवाने के लिए, बहुत मेहमान नवाज इंसान है। उसके बाद ये देखें वी आर एट द अल्टीमेट हाइट ऑफ दिस एरिया एंड देयर इज दैट कराची रोड एंड ये फैज साहब देखें जी जा रहे हैं। फैज साहब को ये जगह बहुत पसंद आई है और अमेजिंग व्यू है जी और खूबसूरत और ठंडी हवा चल रही है, इट्स ब्लोइंग कूल एंड सी कर रहा हूँ और
और जूम इन करते हैं जी, ये देखें जी, बड़ी जगह है जी, सो वास्ट, इट्स लाइक एक्सपेंस। ये देखिए जी, ये देखिए, लुक एट दिस, वो हैं फैज साहब, ये सरफराज साहब, मेस्मराइजिंग व्यू है जी, मेस्मराइजिंग व्यू है जी। इसको अब जूम आउट करते हैं जी थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाजा हो। ये देखें जी, ये देखें, ओह माय गॉड, से मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, चेक करें जरा जी, इट्स अबाउट द सिटी नाउ। ये देखें जी, माय गॉड, अब इसको जूम आउट करेंगे जी, ये देखें जी, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। राज साहब और फैज साहब जो हैं डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इधर प्लॉट व्लॉट ले ही लेना है, और प्लॉट भी यहाँ पे कोई होगा तो 20-20 एकड़ का। ये देखें, वो नीचे कराची हाईवे है, और ये देखें जी, ये देखें जी, मुझे पहले ही पता था कि फैज साहब जो है ना, ये सोसाइटी और प्लॉटों की बातें करेंगे सिर्फ राज साहब के साथ, और वो वही कर रहे हैं। इनको यहाँ पे एक सोसाइटी नज़र आ गई है और प्लॉटिंग भी नज़र आ गई है। ये जो है, ये उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले बंदे हैं, और इन्होंने गिन लिए हैं। ब्यूटीफुल व्यू जी, लुक एट मी बॉयज, गुड, थैंक यू। This is 5:41 and we are leaving for Quetta now from Khalat, and hopefully we will reach Quetta at about after about 1 hour and 30-40 minutes. Bye. Aur this time we are getting back to Quetta and we are on Karachi Road from Khalat to Quetta, and it's night journey and it's also amazing. Total darkness around. And a bit heavy traffic at the moment because passenger buses are mostly on the road, which are traveling from Quetta to Karachi. But with friends, it's a good journey. It's a new experience. Long, long road, long, long drive, and we are going
1 hour or less, I hope we will reach Quetta, inshallah. ये अभी हम इस वक्त मस्तूंग के इलाके में एंटर हो चुके हैं और इट्स अबाउट 50 टू 55 किलोमीटर्स नाउ लेफ्ट फॉर क्वेटा एंड ड्राइविंग अ बिट कॉशियसली बिकॉज ऑफ नाइट टाइम एंड अ न्यू ट्रैक फॉर मी एक्चुअली सो आई विल टेक अबाउट 15 टू 20 मिनट्स मोर टू रीच क्वेटा But hopefully and inshallah we will reach and let's hope it's a safe, good and enjoyable journey. ये हम इस वक्त क्वेटा की हदूद में दाखिल हो गए हैं और दिस इज सोना खान पुलिस स्टेशन और वो नीचे जो आपको सारी लाइट्स नजर आ रही हैं दैट इज क्वेटा हम इस वक्त बुलंदी पा रहे हैं और क्वेटा शहर जो है नीचे इट्स लाइक अ वैली एक्चुअली We are going to enter Quetta city shortly through Sariab Road. Look at the lights of Quetta. This looks beautiful. And this way too, this side too. Look at this. Looks amazing. And now we are driving very slowly, easy. Pause. Not in haste. We're just enjoying these lights. This is Quetta. This is the beauty of Quetta. The city has not many things which can be developed and but for some reasons the city is always ignored, this province is always ignored. There are multiple reasons for this. I'm not going to discuss those right now. Just enjoy the lights. Now we are going down. Look. This looks amazing. Amazing sight.